हैरान हो जाते हैं सभी लोग जब आकांक्षा दुबे के इंस्टाग्राम अकाउंट से नोटिफिकेशन आता है कि आकांक्षा दुबे इज लाइव नाउ। लेकिन जब आईडी खोल कर देखते हैं तो आकांक्षा दुबे के अकाउंट से उनकी मां मधु दुबे लाइव आती हैं। उस लाइव में आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी के कलाकारों से बहुत शिकायतें करती हैं। 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं आकांक्षा दुबे को इस दुनिया छोड़े हुए। ये मामला मानो खत्म ही हो गया था, लेकिन जब से आकांक्षा की मां लाइव आई है फिर से चर्चा उनकी मौत का होने लगा है। मधु दुबे कहती है कि कहां गए वो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार और वो 3 सांसद कहां गए, ये लोग समर सिंह के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। मधु दुबे लाइव में भोजपुरी के सुपरस्टार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी पर निशाना साधते हुए कहती है कि कल्लू मेरे घर पर आया था लेकिन दुख बांटने के लिए नहीं बल्कि मेरे मातम का तमाशा देखने। उन्होंने कहा, कल्लू कहता है कि मेरे समर भैया ऐसे नहीं है, जो हो गया सो हो गया, कोई बीच का रास्ता निकाल कर मामला खत्म किया जाए। मधु दुबे कहती है कि यही घटना कल्लू की बहन के साथ होता तो क्या ये बर्दाश्त करने के लायक था। फिर मैं भी कल्लू को कहती कि जो हो गया सो हो गया, मामला को खत्म किया जाए। बात बात में आकांक्षा की मां ने कल्लू को चूजा कह दिया और कहा कि आज ये चूजा निकला है ना, धीरे धीरे और चूजे निकलेंगे। आकांक्षा की मां के बयान के बाद कल्लू जी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आकांक्षा की मां कहती है कि मेरी बेटी को मारने में पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की साजिश है और मेरी बात यूपी के सीएम योगी जी भी नहीं सुन रहे हैं और ना ही कोई मेरी मदद कर रहे हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह के शादी के मामले में एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का शादी लव मैरिज हुआ था, अरेंज मैरिज नहीं। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का एक और सावन का गाना आ गया है, भांग के स्वाद, और इस गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। अक्षरा सिंह ने अपने नाम से ही बनाई बोलबम सॉन्ग, गाने का नाम है अक्षरा बम और दर्शक लोग इस गाने को खूब पसंद कर रहे हैं। पवन सिंह की फिल्म हरर गंगे का ट्रेलर का इंतजार पवन सिंह के फैन जोर शोर से कर रहे हैं। हरर गंगे की टीम के लोगों का कहना है कि घड़ियाल का सीन फिर से शूट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरें देखने के लिए बने रहिए एच न्यूज के साथ।